यह है रायसेन जिले की सिलवानी तहसील कस्बा बम्होरी रामगढ़ बीट का मामला। यहाँ पर जंगल की कटाई अंधाधुंध की जा रही है, जहाँ बेरोक टोक अवैध कटाई को अंजाम दिया जाता है। अवैध कटाई से वन क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है, जबकि रामगढ़ में वन चौकी होने के कारण वन अमला भी इस पर ध्यान नहीं देता। कर्मचारियों के मिलीभगत से वन माफिया जंगल तक पहुंच रहे हैं, जहां वन माफिया तस्करों का बोलाबाला बिना टोक चलता रहता है। बेशकीमती वनों की धड़ल्ले से कटाई की जा रही है, किंतु जिम्मेदार अधिकारी वन माफियाओं पर कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं और संलिप्त कर्मचारियों पर अंकुश भी नहीं लगा पा रहे हैं, जिसके कारण वन माफिया बेखौफ होकर जंगल की कटाई कर रहे हैं, जिससे जंगल का धीरे धीरे विनाश होता हुआ नजर आ रहा है। पर्यावरण पर भी पड़ रहा है बुरा असर। पेड़ों से ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरण का स्वच्छ रहना अनिवार्य है। इसके लिए हमारे आस पास पेड़ पौधों की अधिकता बेहद जरूरी है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण पर इसका बुरा असर पड़ने की संभावना तीव्र हो गई है, लेकिन वर्षों पुराने लगे पेड़ों की कटाई से सरकार के सपने चकनाचूर हो रहे हैं। अंधाधुंध की जा रही है पेड़ों की कटाई। समय रहते जंगल की कटाई पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो जंगल में रहने वाले जीवों पर भी पड़ेगा इसका बुरा प्रभाव। वहीं संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि बीट कर्मचारियों को इसकी जानकारी ना हो, पर कार्रवाई करे कौन? इससे वन माफिया बेखौफ होकर धड़ल्ले से हरे भरे पेड़ों को काट कर फल फूल रहे हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए रायसेन से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट।